नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। ओम महाकालाय महाकाय, महाकाल जगतपते, महाकाल महायोगिन, महाकाल नमोस्तुते, महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभो, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। भैरव बाबा जितने सहज हैं उतने ही कलयुग में मिस्टीरियस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कालांतर में जो तंत्र मार्ग है, जो एंशिएंट साइंस का मार्ग है, वो विलुप्त होता गया और मूर्ति पूजन और जो वैष्णव क्रिया है वो आगे आ गया। तो एक ऐसी भ्रांति बनाई गई कि तंत्र पूजा अच्छा नहीं होता है या वाम मार्गी पूजा सही नहीं है गृहस्थों के लिए, इस तरह के कई विषय हुए। उसमें भैरव जी को लोगों ने विलुप्त कर दिया। आज भी भैरव जी की जहाँ पे आप प्रतिमा देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे तो तंत्र की पूजा होती होगी, काली की मूर्ति देख के लोगों को तंत्र का भाव आता है, तो ये गलत है। हमारा काम है कि ये जानते हुए कि कलयुग में काल भैरव जी सबसे प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी पूजा करें और लोगों को उनसे जोड़ें। जो जुड़ रहे हैं उनको लाभ हो रहा है, जो नहीं जुड़ रहे हैं वो जुड़ कर देखें। देखो एक विषय है कि लाभ के लिए सिर्फ जुड़ोगे तो लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर भैरव जी से जुड़ोगे तो बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज मैं आता हूँ भैरव जी की पूजा कैसे करते हैं गृहस्थों के लिए। देखो मैं काल भैरव की पूजा करता हूँ। काल भैरव मतलब सब भैरव के जो बॉस हैं उनको, भैरव के स्वरूप, भैरव तो एक ही है, उनका बहुत स्वरूप है। जैसे हम लोगों का मूड होता है वैसे भैरव जी का भी मूड होता है, तो हर मूड का एक नाम है। तो मैं काल भैरव की पूजा करता हूँ जो सबसे प्रमुख भैरव है। आपको अगर पूजा करना है, अगर काल भैरव के अलावा किसी विशेष प्रयोजन के लिए आपको पूजा करना है तो अष्टमूर्ति कहते हैं भैरव को। अष्टमूर्ति का मतलब होता है तंत्र में अष्ट भैरव। तो जब भैरव की आप पूजा करते हैं ना तो आपको साथ में भैरव की शक्ति की पूजा करनी होती है। तो अगर आप सिर्फ भैरव की पूजा कर रहे हैं, काल भैरव की पूजा कर रहे हैं, तो उनकी माँ भगवती देवी काली जो उनकी माँ है, भैरव भैरव काली के पुत्र कहाँ से आया सावा लाख अवधूत, तो भैरव जी की पूजा उनकी माँ काली के साथ होती है, काल भैरव जी की पूजा। अष्टमूर्ति में जो आते हैं असीतांग भैरव, उनकी पूजा होती है ब्रह्मानी के साथ। रुरु भैरव की पूजा होती है महेश्वरी के साथ। चंड भैरव की पूजा होती है कौमारी के साथ। क्रोध भैरव की पूजा होती है वैष्णवी के साथ। उन्मत्त भैरव की पूजा होती है वाराही के साथ। कपाल भैरव की पूजा होती है इंद्राणी के साथ। भीषण भैरव की जो पूजा होती है उस वो है चामुंडा के साथ। और संहार भैरव की जो पूजा होती है वो महालक्ष्मी के साथ होती है, ठीक है। तो ये अष्ट भैरव है तंत्र के हिसाब से। इसके अलावा और भी भैरव के रूप बताए गए हैं, जैसे शंकराचार्य जी ने जो प्रपंच शास्त्र सारतंत्र लिखा था उसमें जो उन्होंने अष्ट भैरव अष्टमूर्ति के बारे में बताया, उसमें अष्ट भैरव जो हैं वो भीषण है, कालराज है, संघार है, रुरु है, उन्मत्त है, क्रोध है, चंड कपाल है और भूतनाथ है। इसके अलावा भी भैरव जी के बहुत सारे रूप हैं, जैसे फटकार भैरव है, षष्ट भैरव है, उसके बाद भ्रमर भैरव है, भास्कर भैरव है। तो भैरव जी के कई रूप हैं, ठीक है। भैरव जी के 10 वीर माने जाते हैं, जिसमें जिसका जिसकी हम लोग अपने भैरव मंदिर में पूजा करते हैं। कालाग्नि रुद्र भैरव हैं, ठीक है, भद्रवीर भैरव हैं, पराक्रम वीर भैरव हैं, मार्तंड वीर भैरव हैं, हाँ ऐसे 10 वीर भी हैं भैरव के, हाँ। तो विषय है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप भैरव जी के किस रूप में पूजा कर रहे हैं। अभी आपके दिमाग में आया होगा कि शमशान भैरव भी बोला जाता है ना, महाकाय भैरव भी होते हैं, नीलकंठ भैरव भी होते हैं। तो रुद्रमल तंत्र जो है उसमें भैरव के 64, जैसे 64 योगिनियां हैं, तो उसमें 64 भैरवों का नाम दिया हुआ है, उनका अलग अलग पूजा का विधान है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ज्ञान ये कि तंत्र के हिसाब से अगर आप पूजा कर रहे हैं भैरव जी की, तो जो अष्ट मूर्ति के साथ मैंने जो अष्ट शक्ति का नाम बताया उनकी पूजा साथ में होनी चाहिए। दूसरा एक कन्फ्यूजन मत रखिएगा, अगर आप 10 महाविद्या की साधना कर रहे हैं तो 10 महाविद्या में इन्हीं शक्ति का जो भैरव होगा वो अलग होगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्रोध भैरव के साथ वैष्णवी की पूजा होती है, 10 महाविद्या में
क्रोध भैरव के साथ छिन्मस्तिका की पूजा होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं इस विषय पे कि भैरव जी की पूजा कैसे करें। जो गृहस्थ पूजा करते हैं, जैसे मैं भी गृहस्थ पूजा करता हूँ, तो घर में भैरव जी की जो पूजा होती है वो दीप के रूप में होती है, दीपक के रूप में। दीपक के की लौ को जब आप जलाते हैं तो भैरव जी का आवाहन उसमें होता है। काल भैरव की मूर्ति नहीं बनती, या किसी भी उग्र भैरव की मूर्ति या फिर तस्वीर में प्राण नहीं दिया जाता है। ऐसे आपने सजावट के लिए पूजा घर में रख लिया वो अलग बात है, लेकिन जो आवाहन होता है भैरव जी का वो दीपक में होता है। सर्व उत्तम आवाहन जो होता है वो भैरव जी का, आपको चमेली का तेल का अगर दीपक हो, मिट्टी का दीपक हमेशा रखा कीजिए भैरव जी के लिए। उसके बाद तिल का तेल आता है, फिर सरसों का तेल आता है। इन तीन तरीके से आप भैरव जी का आह्वान कर सकते हैं, घी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आता है विषय कि आप अगर भैरव जी की पूजा कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, है ना। तो सबसे पहले विनियोग करते हैं, ओम अस्य श्री महाकाल भैरव मंत्रस्य विराट छंदा श्री महाकाल देवता हुम बीजम ह्रीम शक्ति स्वाहा कीलकम श्री महाकाल भैरवाय प्रीत्यर्थे जपे विनयोग, ठीक है। इतना करके आप दीपक अपना जला लेंगे और भैरव जी को बुला लेंगे। आप अगर पूरा टेक्निकली करना चाहते हैं तो उसके बाद कर्णयास कीजिए, हृदय न्यास कीजिए। तो जैसे कर्णयास करेंगे तो राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, हृदयाय नमः, ह्रीम तर्जनी भ्याम नमः, हूम मध्यभ्याम नमः, हैम अनामिकाभ्याम नमः, रोम कनिष्ठकाभ्याम नमः और ह्रम कर्तल कर पृष्ठाभ्याम नमः, ठीक है। इसी में अगर हृदयनास करेंगे तो राम हृदयाय नमः, ह्रीम शिरसे स्वाहा, ह्रूम शिखाय वसट, ह्रम कवचाय हुम, होंग नेत्राय वसट, ह्रम अस्त्राय फट। फिर ध्यान करेंगे भैरव बाबा का। ध्यान का मंत्र में बहुत ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि ध्यान का मंत्र जनरली बिना समझे नहीं करना चाहिए। आपको जो भैरव का स्वरूप समझ में आता है ध्यान उसी मंत्र से करना चाहिए। उसके बाद मंत्र आप क्या क्या कर सकते हैं गृहस्थ में, छह मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, छह में से कोई एक मंत्र चुनिएगा और इसी का आप लोग ध्यान कीजिएगा, लेकिन एक मंत्र पकड़ के चलिएगा, ठीक है। तो मंत्र है रिम रिम रुम महाकाल ह्रीम ह्रीम हुम, ह्रीम ह्रीम ह्रूम महाकाल ह्रीम ह्रीम हुम। दूसरा मंत्र ओम ऐम महाकालाय हुम ठा ठा ह्रीम, ओम महाकालाय स्वाहा, ठीक है। उसके बाद हुम हुम महाकाल प्रसिद्ध प्रसिद्ध ह्रीम ह्रीम स्वाहा, ओम महाकालाय नमः। ये जो पांच मंत्र मैंने बताए ना, इन पांच मंत्रों में से किसी एक मंत्र को पकड़ के चलो और भैरव जी की पूजा करो। कैसे करोगे पूजा? सुबह उठो, पूजा स्थान पर एक दिया रखो, उस दीपक को जब भी जलाओगे तो भैरव जी का आवाहन मंत्र बोलना, वो मैंने शुरुआत में बताया, और उसके बाद इस मंत्र का जाप करना। जब दीपक जलाओ तो भैरव जी से बात करो कि भैरव जी ये विषय है मेरे जीवन में, और उसके बाद अंत में कालाग्नि रुद्र रुद्र रूपाय वे नमः ऐसा बोल करके अपना जाप को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है 9431188585 इस पर आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और उसमें rudranath@cm4 सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, मुझे कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए मेरे वेबसाइट पे जाइए www.aghortantrahasya.xyz, उस पर अपॉइंटमेंट सेक्शन है, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सभी पर भैरव बाबा अपनी कृपा बरसाए रखें, जिस भी आप रूप में उनको पूजें आपको बहुत सारा फल मिले, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलाख आदेश।